Welcome to Engineers Physics channel. Today we will discuss the equations for uniformly accelerated motion. So there are three equations which you can see here. The first one is V is equals U plus AT. The second one is S is equals UT plus half AT square. And the third one is V square is equals U square plus 2AS. So let's start the discussion about the various terms, and we will derive these three equations in this video. So let's start the discussion now. So first of all, we will just try to recognize the various terms which are present here. So सबसे पहले भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पर u यहाँ पर represent करता है क्या भाई initial velocity, v represents final velocity और हम लोग already discuss कर चुके हैं कि ये initial और final velocity क्या होता है, ठीक है? So S stands for distance and T stands for time. So we will start our discussion and we will prove this three equations. So हमारे पास कितने methods से इसे prove करने के, हमारे पास दो method है. सबसे पहला method है graphical method. Method. तो आपको याद रखने के graphical method में हम लोग VT graph का इस्तेमाल करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? VT graph, मतलब velocity time graph. अगर आपको velocity time graph के बारे में full detailings नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो आप playlist में velocity time graph detail में आप जाके देखें, आपको ग्राफ सारी समझ में आ जाएगी. उसके बाद आप इस डेरिवेशंस को आसानी से समझ पाएंगे. एंड अदर मेथड इज एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड. सो ये एनालिटिकल मेथड आपके बुक में अल्टरनेट मेथड के नाम से भी दी हुई होगी. इस मेथड में हम लोग क्या है, डायरेक्टली कैलकुलेशन बेसिस पे काम करेंगे, और ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इक्वेशंस को प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वी विल गो फॉर द एनालिटिकल और अल्टरनेट मेथड. सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन राइट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे माय डियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम लोग इस तरह से ये टाइम एक्सिस और ये क्या है भाई, वेलोसिटी एक्सिस. सो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ कुछ इस तरह से है. तो ग्राफ हमें इस तरह से एक लाइन लेना है, ठीक. तो जब हम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट मीन्स लास्ट पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम इस तरह से प्रोसीड करके लाएंगे यहाँ पर. जिस पॉइंट पे कट करेगा ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी. अब हमें क्या करना है कि फाइनल वेलोसिटी के लोकेशन से डाउनवर्ड नीचे आना है टाइम एक्सिस तक, और इनिशियल वेलोसिटी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है. तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बन रहा है. तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रिपेयर हो गया. सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू ज़ीरो नहीं है, यू की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है. और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है. और अगर ये ग्राफ हम डाउनवर्ड बनाते तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन है. सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी का नाम देते हैं. इस पॉइंट का नाम है ओ और ए बी सी एंड दिस इज डी. ओके, सो अब हम समझते क्या है कि इस ओ ए, लेट हम कंसिडर करते हैं कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट यू से वी वेलोसिटी गेन कर चुका है. तो हमें क्या दिखता है भाई कि ये अगर यू है तो यहाँ पर ये क्या होगा, यू, ठीक है. और यहाँ पर वी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. तो ओरिजिन से ये पूरा लेंथ फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये जो पूरी लेंथ आपको दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी. अब आप बता सकते हैं कि पॉइंट बी एंड डी हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू, ठीक. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें सारा कैलकुलेशंस. अब और एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे ओ ए अगर टी है तो सी डी क्या होगा भाई,
ये भी हो जाएगा टी। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैलकुलेशन। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करना था, पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल्स यू प्लस ए टी, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन। तो हमें ये पता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्सलरेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है, छोटे छोटे बारीकियों पे ध्यान दीजिए, डेरिवेशंस बहुत इजी होते हैं और आप सीख जाएंगे सही में। सो अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या टेक्निक है, हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सिंस यहाँ 90 डिग्री है तो ये बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई, बेस का काम करेगा। और ये पीपीडी दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, और ये क्या है भाई, हाइपोटेनियस है। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्लोप समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल सी डी बी में, किसमें भाई, सी डी बी में। आइए इस ट्राइंगल को हम सेपरेट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हो गया सी और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट बी। अब हमें पता है कि सी डी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी, एंड बी डी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी माइनस यू, ये हम लोग अभी देखें। ठीक है, और हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो वी टी ग्राफ का स्लोप क्या है, बी डी डिवाइडेड बाई सी डी, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक्सलरेशन इज इक्वल्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये है ए टी इज इक्वल्स वी माइनस यू। हाँ, देयरफॉर वी इज इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन था ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने के लिए, डिराइव करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, वी टी ग्राफ का स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। और वही स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर टू, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर टू। सो इक्वेशन नंबर टू के लिए आपको कुछ बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन नंबर टू। सो सेकंड डेरिवेशन क्या है, s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस t को जरा ठीक कर लो भाई, प्लस की तरह दिख रहा था। सो अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स क्या देगा भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर के जरूर देखें, आपको सारे पॉइंट सभी समझ में आ जाएंगे। सो कमिंग टू दिस वन, अब हमारे पास क्या है, एरिया निकालना है, वी टी ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस के टर्म पर ही बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, सो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ क्या है हमारा, सी से डी ग्राफ है, तो इसके अंडर जो एरिया बन रहा है, ये पूरा एरिया बन रहा है। अगर इसका रफ स्केच एक बना दिया जाए तो ये हमारा ग्राफ है
और ये कुछ इस तरह से है, ये टाइम एक्सिस एंड दिस वन इज वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाला जो है ये फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। सो इसके अंडर जो ग्राफ ये पूरा बन रहा है, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो एरिया से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि दो पार्ट क्रिएट हो रहा है, इस तरह से हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये अपर पार्ट एक ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस पार्ट इज रेक्टेंगल, ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, फ्रंट और डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा बहुत ही ईजी है। सो यहां हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स एस, और एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमें करना है, क्या करना है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमारे पास दो पार्ट में है, पहला क्या है, ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी प्लस, एंड द सेकेंड पार्ट इज ये रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना है इसका एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है भाई रेक्टेंगल का, ओ ए डी सी, रेक्टेंगल ओ ए डी सी। सो ये हो गया हाफ इंटू, बेस क्या है सी डी और हाइट क्या है बी डी, सो दिस इज सी डी इंटू बी डी प्लस, और रेक्टेंगल का क्या हो गया भाई, ये एल है तो ये पोर्शन क्या होगा बी, दैट मीन्स ओ ए इंटू डी ए, ओ ए इंटू डी ए। अब आप यहाँ पर देख लें कि ये हो गया हाफ इंटू सी डी, की क्या वैल्यू है सी डी, सी डी रिप्रेजेंट्स टी, तो यहाँ क्या लिखना है टी, ओके। व्हाट अबाउट बी डी, बी डी क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है वी माइनस यू, सो दिस इज वी माइनस यू विद इन ब्रैकेट लिखेंगे हम इसे, और ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, सो दिस इज टाइम, एंड वॉट अबाउट डी ए, डी ए रिप्रेजेंट्स यू, सो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर हो गया यू। आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास अब आ गया है कुछ वैल्यू, इसे ज़रा मैं हटा देता हूँ, हाँ तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, देखिए यू टी, यू टी को हम आगे यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है एस, एंड ये हो गया हाफ, यहाँ पर क्या हो गया वी माइनस यू, और यहाँ पर क्या हो गया टी। तो बच्चों अब हमें पता है कि सिंस ए इज इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी ऐसा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो ये टाइम इधर चला जाएगा, तो देखिए v माइनस यू इज इक्वल्स क्या होगा ए टी हो जाएगा। तो क्या ये v माइनस यू के बदले में ए टी हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर ए टी इंटू टी, देयर फोर आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो कि यहाँ पर प्रूव हो गया है, ठीक है। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि इस कर्व के अंडर अगर एरिया हम ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन क्रिएट होगा, ठीक है। और अगर ये पूरा एरिया एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स ये पूरा जो पोर्शन है इसका कैलकुलेशन अगर हम
वन एट अ टाइम कर दें, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर डेरिवेशंस याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप काम क्या कर सकते हैं, आप लॉजिक बनाइए कि फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स यू प्लस ए टी प्रूव करने के लिए आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है, और ये एरिया जो है पार्ट वाइज कैलकुलेट होगा, मतलब ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का कैलकुलेट करके ऐड कर देना है। और थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्राफ जो प्लॉट है उसके अंडर का जो एरिया है सिंगल फार्मूला में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू जो है ये तीनों डेरिवेशंस मिल जाएंगे, फर्स्ट के लिए स्लोप, सेकंड के लिए एरिया बट अलग अलग निकालना है, थर्ड इक्वेशंस के लिए एरिया बट एक साथ निकालना है। सो वी विल डिस्कस राइट नाउ द थर्ड पार्ट, दैट मीन्स थर्ड इक्वेशंस कैसे प्रूव किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ट्रैपेजियम के बारे थोड़ी सी जानकारी चाहिए, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रैपेजियम। सो ट्रैपेजियम एक स्ट्रक्चर है समथिंग लाइक दिस, इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल मिलती है ये क्या है, ये एक ट्रैपेजियम है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें दो साइड जो है पैरेलल होगा बट इसके लेंथ डिफरेंट होगी। अगर ये साइड की लेंथ ए, ये साइड की लेंथ बी, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज एच, हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये तीनों के बारे हमें इन्फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स वैल्यू पता होगी, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो आप यहां पे देख सकते हैं, तो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल कौन है, ए एंड बी, सो ए प्लस बी इंटू एंड व्हाट इज द वर्टिकल हाइट, दैट इज एच। तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसकी तरह है, ट्रैपेजियम की तरह है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक अलग से पोर्शन, ये वाला पोर्शन एरिया क्रिएटेड है। अगर हम इसे इस तरह से रिमूव कर दें तो अब भी ये क्या बन गया, ट्रैपेजियम बन गया। क्या बन गया बच्चों, ट्रैपेजियम बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राफ क्या देखते हैं कि कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रैपेजियम ही है जिसमें ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, मतलब ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो और बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। दैट मीन्स ए के प्लेस में क्या यूज करेंगे, यू, दैट इज ये वाला पोर्शन, ठीक है। एंड दिस इज बी, मतलब ये टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, वी। एंड वॉट अबाउट एच, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, टाइम का काम कर रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन, ठीक है। सो तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ध्यान पे ये बात रखनी है कि डेरिवेशंस और प्रूविंग के लिए हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। तो ये एस, ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। अब ट्रैपीजियम का नाम क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। सो हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स दिस ए प्लस बी, मतलब यू प्लस वी लिखना है यहाँ पर, यू प्लस क्या लिखना है, वी, ओके। एंड वॉट अबाउट एच, एच रिप्रेजेंट्स टाइम है, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, ठीक। सो सिंस हमें क्या पता है कि ये देखिए ए इज इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी होता है, तो क्या हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, यस, देयरफॉर वी कैन राइट टी इज इक्वल्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है।
अब इस t के वैल्यू को इस जगह पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि s इज इक्वल्स, ये हो गया हाफ इंटू, ये क्या हो गया भाई, u प्लस v है, तो इसको हम v प्लस u भी लिख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर क्या है, v माइनस u, और डिवाइडेड में क्या है, एक्सलरेशन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 और a इसके पास चलाएगा, सो दिस बिकम्स 2 ए एस। और एक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स में, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये क्या बनना चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हम u स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस टू ए एस इज इक्वल्स वी स्क्वायर। और इसे हम सही तरीके से अरेंज कर देते हैं, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो हमारा क्या है भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन है और जो प्रूव हो गया। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, फर्स्ट डेरिवेशन के लिए स्लोप कैलकुलेशन, सेकंड के लिए एरिया बट अलग अलग, एंड थर्ड वन के लिए एरिया एक साथ कैलकुलेट करना है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा करके। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स पूरी तरह से क्लियर हो गई।